जिन लोगों ने बचपन से ही मगरमच्छों के बारे में पढ़ा होगा उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि क्रोकोडाइल अपने भारी शरीर और दमदार जबड़ों की वजह से किसी भी जानवर को अपना शिकार बना सकते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे शांत जानवर हाथी ही क्यों ना हो और चाहे वो दुनिया के सबसे खूंखार जानवर शेर ही क्यों ना हो। ये किसी को भी अपने ताकत और गुस्सैल स्वभाव से पछाड़ने का दम रखते हैं। हालांकि ऐसी भी वीडियो हमारे पास है जिसमें ये मगरमच्छ अपने से छोटे जानवरों के हत्थे चढ़ चुके हैं, जिसमें ये लाख कोशिशें करने के बाद भी बलि का बकरा बन ही गए थे। तो वहीं आप हमारे इस वीडियो में एक से एक बैटल ऑफ देखने वाले हैं मगरमच्छ और जंगल के ताकतवर कमजोर जानवरों के बीच। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रोकोडाइल वर्सेस वाइल्ड बीस्ट। दोस्तों, जब दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर वाइल्ड बीस्ट और पानी के राजा मगरमच्छ की लड़ाई होती है तो उस नज़ारे का भयानक होना तो लाजमी ही है, जिसमें जब प्यास बुझाने के लिए वाइल्ड बीस्ट का एक बड़ा झुंड मगरमच्छ के ठिकाने पर गया था, तभी सारे शिकारी मगरमच्छ वाइल्ड बीस्ट को देखकर काफ़ी खुश हो गए थे, क्योंकि आज तो ये किसी एक बीस्ट को पकड़कर अपना शाम का डिनर तो तैयार कर ही लेंगे। मगर दूसरी तरफ अपनी प्यास बुझाने में मशगूल बीस्ट को इस बात का ज़रा सा भी ख्याल नहीं कि आज किसी को अपनी बलि भी देनी पड़ सकती है। पर इसी पानी पीने के जद्दोजहद में एक मगरमच्छ ने कूद कर वाइल्ड बीस्ट को ऐसा पकड़ा कि वो बेचारा पानी के अंदर ही गिर कर बैठ गया था। हालांकि इसके सभी साथी अपनी जान बचाते हुए दूर भाग खड़े हुए, लेकिन इसकी किस्मत बहुत ख़राब थी जो ये मगरमच्छ के आड़े आ गया। क्रोकोडाइल अटैक्स लायन। दोस्तों, भले ही शेर को पूरे जंगल में हांडने से बिल्कुल डर नहीं लगता, जहाँ ये पानी में भी उतनी ही आसानी से चले जाते हैं। वो जब एक बार एक शेरनी जंगल के दूसरे किनारे पर जाने के लिए पानी में चल रही थी तो उसके पीछे पीछे एक खूंखार मगरमच्छ भी चल रहा था, जिसने मौका पाते ही शेरनी को अपने आगोश में लेने की कोशिश की। पर शेरनी ने भी बार बार अपने आप को इस खूंखार क्रोकोडाइल के जबड़ों से छुड़ाते हुए नदी में तेज़ी से दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वो पानी में रही तब तक मगरमच्छ ने उस पर कई बार हमले किए। पर वो भी तो शेरनी थी जिसने हर हमले का जवाब उसे लात मार कर दिया था, और ऐसे करते करते ही शेरनी ने आखिरकार अपने आप को भयानक मगरमच्छ के चंगुल से बचाते हुए तालाब पार कर लिया था। वाइल्ड बीस्ट वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, अक्सर दो समान ताकत वाले जानवरों को आपस में भिड़ना देखना काफ़ी दिलचस्प होता है, जिन्हें देखकर बस यही लगता है कि अभी ये जीतेगा तो कभी वो जीतेगा। और इस इंटरेस्टिंग क्लिप में भी आप देख रहे हैं कि कब से ये बीस्ट अपने एक पैर को मगरमच्छ के जोरदार पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मगरमच्छ भी हर बार लात खाने पर बीस्ट को आज छोड़ना नहीं चाहता। जहाँ ये दोनों ही अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक तरफ क्रोकोडाइल इसे अपना भोजन बनाना चाहता है तो वहीं दूसरी तरफ बीस्ट अपनी ज़िंदगी की भीख ऊपर वाले से मांग रहा होगा। लेकिन भगवान ने भी बीस्ट की प्रार्थना को दो घंटे बाद ही स्वीकारा, जहाँ पर मगरमच्छ ने काफ़ी देर तक प्रयास करने के बाद इसे आज बख्श देने का विचार करते हुए इसे जाने दिया। क्रोकोडाइल अटैक्स द एलिफेंट। दोस्तों, जहां हाथी दुनिया के सबसे शांत जानवरों में से एक है, जो बिना छेड़े कभी भी किसी से दो दो हाथ नहीं करते, लेकिन जब इनका सामना अटैकिंग नेचर वाले मगरमच्छ से हो जाए तब इन्हें भी अपना बाहुबली अवतार दिखाना पड़ता है। पर अफ्रीका के नेशनल पार्क में फिल्माया गया ये वीडियो इन दोनों के अटैकिंग और डिफेंस प्ले का एक नमूना है, जहाँ पर मगरमच्छ बिना छेड़े ही पानी पीने वाले हाथी को अपना गुस्सा दिखाने लगता है, लेकिन इसने बड़े हाथी को शिकार बनाने की बजाय उसके बच्चे को अपना शिकार बनाना सही समझा। वो तो शुक्र है कि अपने बच्चे को खराब हालत में देखकर इसकी माँ तुरंत दौड़कर इस मगरमच्छ को इसकी औकात याद दिलाने लगती है, वरना ये तो भूल ही चुका था कि हाथी भी इसके मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो वहीं दूसरे केस में अक्सर बेबी एलिफेंट मगरमच्छ के मजबूत जबड़ों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सूंड के कसकर पकड़े रहने की वजह से हाथी अपना होश खोकर पानी में ही गिर जाते हैं, जहाँ मगरमच्छों के लिए और भी आसान हो जाता है इनका शिकार होना। बैटल ऑफ क्रोकोडाइल एंड गजल। गजल जंगल के वो शानदार और टेस्टी जानवर हैं जिनके पीछे जंगल के शेर से लेकर पानी के मगरमच्छ तक पड़े रहते हैं, जहां इन्हें हर समय हर पल अपने आप को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि जंगल में एक तरफ शेर इनके ताक में बैठे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पानी में बैठे मगरमच्छ भी इन्हें अपना आहार
बनाने की पुरजोर कोशिश करते हैं और इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जहां पानी पीने के लिए गेजल का एक छोटा झुंड तालाब किनारे अपनी प्यास बुझाने गया था। मगर तभी शैतान मगरमच्छ ने इनमें से एक मगरमच्छ को पूंछ के सहारे ही पानी में घसीट दिया। हालांकि एक बार मगरमच्छ के चंगुल में फंसने के बाद अब हिरण का पानी से निकलना नामुमकिन है। द क्रोकोडाइल ड्रैग्ड द बफेलो। दोस्तों, भला मगरमच्छ भैंस जैसे बड़े और मालदार जानवर को अपना शिकार क्यों नहीं बनाना चाहेगा, जो इसके तीनों टाइम के खाने का इंतज़ाम आसानी से कर सकता है। जहां आप इस इंसिडेंट को ही ले लीजिए, जिसमें इन भैंसों को नहीं पता कि आज पानी पीने के बाद इनकी तो खैर नहीं, और पानी पीने उतरे कुछ भैंसों को एकदम से मगरमच्छ के आने का संकेत हुआ, जिसके बाद सब अपनी जान बचाकर भागे। लेकिन एक भोला भाला भैंस मगरमच्छ के मजबूत जबड़ों के अंदर अपना सर घुसा बैठा, जिससे अब तो ये सीधे मगरमच्छ के पेट में जाकर ही रहेगा। हालांकि कुछ देर के लिए मगरमच्छ ने थक हार कर इसके सर को छुड़ा दिया था, मगर फिर से जान शरीर में आते ही इसे दोबारा धर दबोचा। क्रोकोडाइल वर्सेस एक्सकेवेटर। जंगली जानवर इतने नासमझ होते हैं कि ये मशीनों पर भी हमला करने से पहले एक बार नहीं सोचते, भले ही इन्हें इससे कितनी ही चोट क्यों ना लगे। क्योंकि इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां एक जेसीबी जो अपने काम में लगा हुआ है, उसके ऊपर लगातार मगरमच्छ हमले पर हमला करा जा रहा है। पर उसके इस हमले का कोई फायदा तो होने वाला नहीं, क्योंकि ये तो एक मशीन है, ना कि कोई वाइल्ड बीस्ट या फिर हिरन, जो इसके काटने पीटने पर मर जाएगा। क्रोकोडाइल कॉट ज़ेब्रा। ये भयानक लड़ाई है जेब्रा और मगरमच्छ के बीच में, जहां जेब्रा को पानी पीते हुए पीछे से एक मगरमच्छ ने कसकर जकड़ लिया था, जिसके बाद अब ये जेब्रा कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, पर ये अब किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल पाएगा। वो तो शुक्र है कुछ हिप्पोपोटामस का, जिन्होंने ऐन वक्त पर आकर जेब्रा को मगरमच्छ के चंगुल से बाहर छुड़ा लिया था। हालांकि बाहर निकलते निकलते जेब्रा को इतनी चोट मिली कि ये ठीक से चल भी नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास घटनाएं जो दुनिया के खतरनाक जानवरों को आपस में भिड़वाते दिखाती है। और इनमें से आपको किसका बैटल ऑफ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अनोखी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।